आंखों में अपनापन, जिसकी बातों में जादू। फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू, फूल के जैसे खिलकर सबके लिए लुटाए जो खुशबू। छोटे बाबू छोटे बाबू छोटे बाबू। अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे, अपने दुख की आंच किसी को कभी नहीं जो लगने दे। आगे बढ़कर पहुंचे जिसने सबकी आंखों के आंसू। छोटे बाबू छोटे बाबू छोटे बाबू। अरे तेरी के किधर लगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। छोटी भाभी दूध ले लो। कमो दूध लेके आइए, जाओ ले लो। छोटी भाभी, ओ छोटी भाभी दूध ले लो। भाभी दुनिया वाले भी कितने जालिम होते हैं, ऐसी नाजुक चीज पर किस तरह जुल्म करते हैं। तुम तो बहुत समझदार हो। तुम नहीं, तू कहो भाभी, अब तो परायापन छोड़ो। लगता है भैया ने रात भर सोने नहीं दिया। कल रात तुम लोगों ने सजाई कुछ इस तरह थी कि पूरी रात आंखों आंखों में गुजर गई। अच्छा है ना भाभी, एक पत्नी को पति का प्यार मिल जाए, इससे बड़ा सुख एक स्त्री के लिए और क्या हो सकता है। तुम ठीक कहती हो। अच्छा भाभी चलती हूँ, और भी जगह जाना है, फिर आऊंगी तो बैठकर बहुत सारी बातें करूंगी। अच्छा जाती हूँ। चाय बैठ के पीजिए ना। बेचारे सुंदर का सुबह सुबह का ग्राहक कम हो गया। वहां भी पी लीजिएगा। ये चाय पीने के बाद वहां का चाय पीके मुंह का स्वाद कौन लगा रहे। थैंक यू वेरी मच। एक बार देखो, ये घर तुमसे घर बना है, तुम्हें भी घुमा रखो। मेरे लिए ये सराय है, इसे सराय रहो प्लीज।
आएगा मजा। अरे उस्ताद, मक्खी मार रहे हो क्या यार? अब इस दुनिया में सिवाय मक्खी के और क्या रह गया जो मैं मारूं? वरना मैं तो अरे बोलिए ना उस्ताद, बोलिए ना। अरे क्या बोलने का, जिस बात को लोग यकीन ना करे, भरोसा ना करे, उस बात को क्या बोलने का है यार। अरे उस्ताद, मैंने आपकी बात को कभी झूठ मानी है क्या? खैर कोई बात नहीं, तू मेरे को ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है। हाँ। इसलिए मैं तेरे को सुनाता हूं। सुना दीजिए। सुन। सुनाइए। उस वक्त मेरा उम्र करीबन 14-15 साल का लगभग होगा। अच्छा। बहुत छोटा था मैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तूने मधुमक्खी का नाम सुना है? बहुत बहुत खतरनाक होता है। अरे काई का खतरनाक होता है? खतरनाक होता है। अरे खतरनाक होगा तेरे लिए, मेरे लिए थोड़ी ना। अच्छा अच्छा। 50-50 मील गांव दूर में घने जंगलों में जब मधुमक्खी ने अपना छत्ता बनाया ना, समझ लियो टूटा। इधर बना इधर टूटा, इधर बना इधर टूटा, इधर बना इधर टूटा, इधर बना इधर टूटा। अरे ऐसे ऐसे जगह पे अपन पहुंच जावे ना जहाँ इंसान भी नहीं पहुंच सकता। अच्छा? लंबे झाड़ के ऊपर भी अगर मैं मधुमक्खी को छत्ते को देखा ना, फिर झाड़ पे चढ़ जाता था, उस मधुमक्खी को छत्ते को पकड़ लेता था, फिर लपेट। लपेटने का मतलब क्या होता है? ओ तुझे नहीं, उसे बोल रहा हूँ। तेरी बातें बहुत गौर से सुन रहा है ना, कल को ये बातें इतिहास में आएंगी। ध्यान दे यार, खाली पीले क्यों मेरे को झाड़ पे चढ़ा रहा है? अच्छा सुन, ये सत्यनारायण जी का प्रसाद खाना है ना, तो एक लोटा पानी लेके अंदर आ जा। ऐसा क्या? हाँ, तू आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे। 14,486 300 रुपया। छह घर के गांव में चिट्ठियां बांटने के लिए तुझे 36 घंटे लगते हैं? सुबह से गया था वो, अभी आया? माफ कीजिएगा बड़े बाबू, वो अपने आटा चक्के वाले रामेश्वर जी है ना, उनके यहाँ सत्यनारायण की कथा थी, इसलिए मैं वहां रुक गया। प्रसाद लाए? हाँ क्यों नहीं ला दे। दो मिनट, जैसा हाथ धोलूं भगवान का प्रसाद है ना। अभी तक आपकी चाय नहीं है सुंदर जी, दार्जिलिंग से मंगवा रहे हैं क्या? नहीं ऐसा मत किए, मैं अभी लेके आता हूँ। रहने दे ना, अभी प्रसाद खाना, तेरी चाय कौन पिएगा? प्रसाद का नाम सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन भगवान की पूजा करते हुए मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा राजेश। अब खाने पीने से भगवान का क्या संबंध? बड़े बाबू आपको तो मालूम है कि खाने पीने के मामले में मैं जरा आगे रहता हूँ। बड़े बाबू, रामेश्वर जी ने आपसे और छोटे बाबू से माफी मांगी। अच्छा क्यों बोला? वो कथा में जो बोला नहीं सके। वो क्या हुआ, उनकी पत्नी ने रात को सपना देखा कि उनके घर में सत्यनारायण की कथा की तैयारी चल रही है, तो उन्होंने सवेरे उठकर अपने पति को बताया। अच्छा। और उन्होंने तुरंत इसका प्रबंध कर दिया, इसीलिए तो आप किसी को बुला नहीं सके ना। वो थोड़ी जल्दबाजी कर गई उनकी पत्नी, अगर सपने में ही सारी तैयारी की थी तो थोड़ा और सबर करके सपने में ही सबको इकट्ठा करके पूजा समाप्त कर ली होती तो बेचारे रामेश्वर जी का काफी खर्च बच गया। ये प्रसाद है राजेश। सॉरी बड़े बाबू, थोड़ा और देना। क्या देख रहे छोटे बाबू? तुम्हारे मोहन और सुंदर के प्रसाद देने के बाद मेरे लिए बचेगा ना? हाँ काफी है, फिर तो और एक चांस लिया जा सकता है। मुसीबत प्रसाद उन्हें देना चाहिए जो प्रसाद को प्रसाद समझकर खाए। बड़े बाबू तो फिर एक और चांस दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, तुम्हें तुम्हारी भाभी ने बार बार टोका है लेकिन तुम हर बार इस बात को मजाक में टाल देते हो। अब देखो, मुसीबत दूसरे धर्म का होते हुए भी कितनी श्रद्धा से प्रसाद लाया और तुम इसे ऐसे खा रहे हो कि ये प्रसाद नहीं हुआ किसी के शादी के लड्डू। माफ कीजिएगा बड़े बाबू, मुसीबत भले ही किसी दूसरे धर्म या जाति का हो लेकिन इंसान होने के नाते इंसानियत के रिश्ते को पूरी तरह पहचानता है। मैंने कभी मुसीबत को अपने से अलग नहीं समझा। तुम्हारे मन में लोगों के लिए जो प्यार और अपनापन का एहसास है उसकी मैं कदर करता हूं, लेकिन यह भी सच है कि भगवान के लिए तुम्हारे मन में कोई श्रद्धा नहीं है। क्षमा कीजिएगा बड़े बाबू, जिसे आप भक्ति, श्रद्धा या पूजा कहते हैं, मेरी नजर में वो सिर्फ एक धार्मिक होने का दिखावा है या शायद फिर भगवान से डर। अब आप ही बताइए बड़े बाबू कि दिखावा या डर से श्रद्धा का क्या संबंध? अरे तुम लोग तो जाओ, नहीं तो इसकी बातें सुनकर तुम लोग भी नास्तिक हो जाओगे। राजेश, तुम्हारी इन सब बातों से सिर्फ तुम्हारे नास्तिक होने का सबूत ही मिलता है। मैं अध कचरे आस्तिक होने से पूरा नास्तिक होना ज्यादा अच्छा समझता हूँ। बड़े बाबू, अध कचरा आस्तिक तो जिंदगी भर भ्रम ही भटकता रहता है। वाह वाह छोटे बाबू, आप जैसे सच बोलना सबकी बस की बात नहीं है।
राजेश, तुम्हारी बात में जो सच्चाई है उसे नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए नास्तिक होना तो जरूरी नहीं। ये तो अपने अपने सोचने का ढंग है बड़े बाबू। मेरे ख्याल से इस दुनिया में किसी भी चीज को पूर्ण रूप से जानने के लिए दो ही रास्ते, समर्पण या हठीलापन। एक बात बताइए बड़े बाबू, पूछो। इस दुनिया में जो इतने बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति हुए हैं, वो सब अपनी ज्ञान प्राप्ति के बारे में चुप रहना क्यों पसंद करते हैं? शायद ये बात कहकर समझाने जैसी नहीं होगी। नहीं बड़े बाबू, नहीं। ये झूठे सुख के पीछे दौड़ने वाले इंसानों को सत्य और पूर्ण आनंद की बात भाएगी नहीं। वो उन्हें पागल समझकर उनका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो खामोश रहना ही पसंद करते हैं। आप क्या कहते हैं? भाई मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि मुसीबत पूरा प्रसाद छोटे बाबू के सामने रख दो, चाहे वो जिस ढंग से खाए। थोड़ा सा बहू के लिए भी रखना। और भाभी के लिए मैंने कम मौका भिजवा दिया। अच्छा हाँ। क्या बात है भाभी, भैया के ख्यालों में खोई हुई हो? नहीं नहीं, देखो ना सारा सामान फैला हुआ था, मैं सफाई कर रही थी। कुछ भी कहो भाभी, छोटे बाबू है बड़े अनोखे, सबको ही उनसे प्यार है, और फिर तुम्हारा तो अधिकार है। ये क्या लाई हो? मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी मुसीबत भैया ने तुम्हारे लिए सत्यनारायण का प्रसाद भेजा है। ठहरो एक मिनट, तुम्हारे छोटे बाबू के लिए थोड़ा सा निकाल लेते हैं और फिर दोनों मिलकर खाते हैं। छोटे बाबू और बड़े बाबू के लिए तो तुम्हारे मुसीबत भैया बहुत ले गए हैं। अच्छा कम्मो, मुसीबत मेरा तो भाई है, पर तेरा क्या है? बहुत चाहती हो ना तुम उसे? हाँ भाभी। कितना? जितना तुम्हें छोटे बाबू से। तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? पापू नहीं मानते। क्यों? मुसीबत करीब है ना भाभी, और फिर उसके खानदान का कोई पता भी नहीं, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है भाभी। इंसान का असली परिचय तो यही होता है। तुम अपने बापू को क्यों नहीं समझाती? पापू नहीं मानेंगे, बहुत जिद्दी है ना। भाभी तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो। कैसे? छोटे बाबू की बात कोई नहीं टाल सकता, तुम अगर छोटे बाबू से कहो तो छोटे बाबू बापू को समझा सकते हैं। अच्छा मैं कोशिश करूंगी। भाभी तुम कितनी अच्छी हो। अरे कम्मू, बड़ी खुश नजर आ रही, कहाँ से आ रही? आपके घर गई थी भाभी को प्रसाद देने। अच्छा। तुमने तो मेरी सराय को पूरी तरह से अपना घर बना दिया। आपको पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, बहुत पसंद आया, बल्कि तुम्हारे जीने के इस फैसले ने इस घर को भी नई जिंदगी दे दी है ना। बस भारतीय नारी की इस खामोशी ने उसे खिलौना बना दिया। रेवोल्यूशन का जमाना है भाई, बुलंद आवाज में बोलना सीखो। आवाज जुल्म के खिलाफ उठाई जाती है, उपकार करने वाले के आगे तो सर झुकाया जाता है। मैंने कौन सा बिना स्वार्थ के उपकार किया है? तुम्हारी कहानी सुन के उसमें से एक आइडिया मारना। मैं या मेरी कहानी अगर आपके कोई भी काम आई तो मैं अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य समझूंगी। डायलॉग्स अच्छा बोल लेती हूँ, कॉलेज में मिली होती तो अच्छी खासी हीरोइन बना देता। इस जीवन नाटक के ही काबिल बना दीजिए तो बहुत है। प्रॉमिस, तुम भी क्या याद करोगे मिला था कोई एस डायरेक्टर? याद तो वो करते हैं जिन्हें दूर जाना हो। इस जन्म में मैं आपका साया छोड़कर कहाँ जाऊंगी? नहीं नहीं, इतना खुदगर्ज मत समझो। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर किस्मत तुम्हें तुम्हारी खुशी लौटाने आई तो देखना, मैं ही वो पहला आदमी होऊंगा जो तुम्हारी पवित्रता का विश्वास दिलाकर
उसे उसकी अमानत लौटा दूंगा। ऐसा दिन मेरी किस्मत में कहां राजेश बाबू, सिर्फ शौक की खातिर शिकार करने वाले दलदल में गिरे घायल पंछी को उसके हाल पर छोड़कर चले जाते हैं। सॉरी मीरा, अनजाने में तुम्हारे दर्द को छेड़ दिया। ऐसी बात है तो गोली मारो, उसे भी तो किसी के आगे हिसाब देना होगा। ऐसा है, मैं गांव जा रहा हूं, देर हो जाएगी, इंतजार मत करना। क्या देख रही? नाटक। हाँ, नाटक पसंद आया? बहुत पसंद आया। आपसे एक बात पूछूं, आपको भूख नहीं लगती? आपको प्यास भी नहीं लगती? हाँ, प्यास बहुत लगती, इतनी प्यास लगती है कि जिंदगी प्यास बन के रह गई है। अपने घर में आप क्यों प्यासे रहते हैं? आप दरवाजा खोलिए, मैं अभी आती हूं।
क्या सोच रहे हैं आप? पिएंगे नहीं? नहीं। क्यों? तुम क्यों चाहती हो कि मैं पीऊं? मैं जानती हूं, अपने मन की शांति के लिए आप इसी का सहारा लेते हैं। मन की शांति, ये तो इंसान का कभी ना पूरा होने वाला एक ख्वाब है। बस इतना है कि दिन भर नाटक करने के बाद मन ऊब जाता है, इसे पीने के बाद या तो जिंदगी की हकीकत पर खूब हंस लेता हूं या तो फिर जी भर के रो लेता हूं। पर तुम इस तरह से घुट घुट कर जीना छोड़ दो, गांव में जाकर लोगों से मिला जुला करो, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। मन तो यही चाहता है पर डर लगता है, गांव में किसी ने आपके बारे में कुछ भी पूछ लिया तो? मैं आपके बारे में कुछ भी तो नहीं जानती। तुम ठीक कहती हो, मेरे उस कमरे में एक सूटकेस है जिसमें एक डायरी है, तुम उसे पढ़ लेना, मेरे बारे में बहुत कुछ जान जाओगी। वो डायरी मेरे हाथ लगी थी, मैंने उसमें से एक पन्ना पढ़ा भी था पर आगे नहीं पढ़ पाई। अरे पगली, जो तुमसे पढ़ा नहीं गया वो हमसे कहा कैसे जाएगा? रहने दीजिए, मैं आपके जख्मों को छेड़ना नहीं चाहती। नहीं मीरा, मेरी जिंदगी के हिस्सेदार न होते हुए भी मेरे जीवन के बारे में जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम एक मिनट ठहरो, मैं भी आया। खुद जल जल कर आप दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाते हैं, क्या आपको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए?